gallery in South India. And Dr. Snehalata Prasad is the art collector and the director of Sneha Arts. And this is one of the initiatives to introduce well-known artists. So thanks a lot, Patnaik ji, for joining us today on this particular show. Bahut acha laga, and you're very famous for your sculpturing category. So thanks for joining in. And thank you, sir. And it is my pleasure to be the part of your show. And is it okay? Yes, sir. Sneha was she's doing a lot very wonderful job for the betterment of the students particularly. And my aim always for the I focus for the students particularly. So my interest, जो भी मैं चाहता हूँ, एटलीस्ट मैं स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर पाऊँ, दैट विल बी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर माई सेल्फ. सो मैं आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू डू दिस थिंग. एक्चुअली ऑफकोर्स आई एम डूइंग माई जॉब, माई स्कल्पचर्स, बट माई एम, माई फोकस ऑलवेज टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. थैंक यू. You were born in a very small location where your family was also not into art. So ye kaise shuru hua, how did you get into art? That's true actually. My hometown is Bhubaneswar, and you must be knowing that Bhubaneswar is the temple city, the city of temples. That place, my home is surrounded by so many temples. Actually, very famous, very known historical temples like Lingaraj temple, Mukteshwar, Rajarani. There are so many actually historical temples. And that from my childhood actually, when I used to go to my school, I am talking about class 3, 4, 5 like this. So on the way, both the side actually, I can still hear this chisel hammer, that music, this ringing in my. I cannot forget those things actually. But definitely, that time also, I never thought about this one. I'll go with this fine art or whatever. But I can say because this is the impact. This is the beginning inspiration from the childhood actually. मेरे जो मेरे काम में रिफ्लेक्ट करता है. एंड आई एम हैप्पी. ऑफ कोर्स आई हैव गॉट सेटल्ड एक्चुअली इन दिल्ली, बट स्टिल मेरी जो भी ब्रीथ, मेरी जो सॉइल, कहीं ना कहीं मैं कनेक्शन है मेरा, और वो मैं फील करता हूँ यहाँ बैठ के भी. So any questions for Patnaik ji, feel free to ask. वो जब लाइव पे हैं. अजय समीर जी नमस्ते बोल रहे हैं आपको. He is already joined and is watching this particular show. Hi. कब लगा कि आप आर्टिस्ट बनोगे? हाँ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. जब जैसे बताया, मेरी बैकग्राउंड टोटल साइंस बैकग्राउंड के, मेरे सारे फादर ब्रदर्स है सारे. मैं खास करके इन सिंपल वे कैन से मैं भटक गया अकॉर्डिंग टू देयर ये कि मैं इस लाइन में आ गया. बट मैं कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरी जो एरिया है, जो मेरी बैकग्राउंड, जो जिस सराउंडिंग्स के बीच में मैं खेला हूँ, वो कभी ना कभी मुझे कहीं से पुल किया है मुझे एक्चुअली इस काम के लिए. मैं मुझे स्कूल्स में पता नहीं था. आई यूज टू डू पेंटिंग्स, मेरा बहुत फेवरेट. नेचुरली मुझे पता नहीं था स्कल्पचर इज़ ए पार्ट ऑफ द फाइन आर्ट्स एक्चुअली. और नेचुरली मैं वो देखता था कि वो चिजलिंग साउंड या वो लोग जो करते थे कार्वर्स, तो उससे मैं मतलब इंस्पिरेशन तो मिला कि, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये फाइन आर्ट्स में होना है. जब मैं अपनी स्कूलिंग मेरा कवर किया मैं, उसके बाद में कॉलेज, हम लोग के टाइम में आई ए बी ए होता था, मैं बी ए थर्ड ईयर पढ़ रहा था, तब मैं आई जस्ट स्विच ओवर टू दिस लाइन. आई जॉइंड इन अ कॉलेज, कलिकोट आर्ट कॉलेज. दैट टाइम वो उड़ीसा का एक ही आर्ट कॉलेज था उस टाइम, तो उसमें ज्वाइन किया. बट थ्री मंथ्स के बाद मैं बनारस में किसी सीनियर
पेंटर उनके कनेक्शन में आया एंड आई शिफ्टेड टू बनारस। आई जॉइंड BHU इन 1982। ऑफकोर्स मैं जब बनारस आया था उस टाइम मैं पेंटिंग के लिए ही आया था, मुझे पता भी नहीं था जो पेंटिंग मतलब वहाँ पे पहली बार मुझे पता चला जो फाइन आर्ट्स और उसमें स्कल्पचर भी डिपार्टमेंट है। और नो डाउट कि बनारस मेरे जो प्रोफेसर है बलबीर सिंह कट, उनके चलते नोन है और ऑल ओवर इंडिया एंड सो मेनी एरियाज इन द आउटसाइड ऑल्सो। सो वो कहीं ना कहीं पेंटिंग से मैं फिर स्कल्पचर पे आ गया, इंटरेस्ट बढ़ा उसमें और मैं शायद स्कल्पचर बन गया। तो कॉलेज में कुछ मस्ती वस्ती? ऑफ कोर्स बट वेरी फ्रैंकली मैं कॉलेज मींस मैं जनरल लाइन की नहीं बोल रहा हूँ, लाइन तक मैं खेलता था बहुत अच्छा क्रिकेट, काफ़ी अच्छे लेवल का मैं क्रिकेट खेला हूँ उस टाइम में। बट मैं जब BHU आया, इनफैक्ट BHU में भी यूनिवर्सिटी के लिए मुझे उसमें सिलेक्शन के लिए मैं भी गया था वहाँ पे, वहाँ पे भी ये था। बट जब मैं स्कल्पचर में टोटली डिवोट हो गया जब कॉलेज में, तो मैं अगर सच बोलूँ तो मैं काफ़ी सीरियस स्टूडेंट था। मैं शायद उस टाइम में इतना एंजॉय नहीं कर पाया, ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे गर्ल्स फ्रेंड्स भी थे, बट कभी 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 मैं उस उतना ध्यान नहीं दिया। वो एक तरह मैं अपनी काम में ही ज़्यादा फोकस रहा और मैं काफ़ी सीरियस था वर्क में अपने। तो वो उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए आया, मास्टर्स के लिए दिल्ली ज्वाइन किया मैं। तो दिल्ली में भी काफ़ी सीरियस रहा मैं, मेरे ऐसे कुछ मतलब डिस्ट्रैक्ट होने का कुछ मतलब नहीं था, मैं काम में ही ज़्यादा फोकस था। बस वो मेरे ख्याल से वो सिंसियरिटी जो डेडिकेशन मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मतलब हेल्प किया। क्यों मतलब बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे कॉलेज में, इज इट मतलब हाँ बट लोग हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर है उसके वजह से बहुत सीरियस हो जाते हैं, थोड़े लोग यू नो वो चैलेंज लेते हैं कि या मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ उसके लिए कॉलेज टाइम में सीरियस हो जाते हैं। आप किस मैं ये आर्ट सीरियस? थ्रू आउट माय करियर में आई वाज टॉपर, एक्चुअली मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, बट अभी तक वो गोल्ड मेडल मुझे मैं यूनिवर्सिटी से लिया ही नहीं, बट आई गॉट फर्स्ट रैंक एक्चुअली द बैचलर एंड मास्टर्स ऑल्सो। वो तो एक था कि टॉप करना है, बट लेकिन ऐसे फोकस नहीं था, मैं अपना काम किया हूँ, मैं वो नहीं कभी किया कि मैं किससे कम्पीट करना है। जब मैं टॉपर था तो नेचुरली मैं किससे कम्पीट करूँ, मैं इसलिए उस तरह मैं फोकस नहीं किया, मैं अपने स्टेज अपने काम किया तभी उससे मिला मुझे। मैं इसलिए कहीं पे मेरे एक स्टैंड करना है इसलिए मैं कभी फोकस नहीं किया अपने को, बट सिंसियरली मैं अपने काम करते रहा और एंजॉय भी करते रहा, ऐसे बात नहीं जब मैं हमेशा नहीं, लाइफ को अब उस हिसाब से थ्रू काम थ्रू वर्क जो भी स्टेजेस थे उसके थ्रू में मैं अपना लाइफ भी को एंजॉय भी किया। लेकिन मैं सीरियस स्टूडेंट था, मैं सच बताऊँ कि मैं मुझे ऐसे कभी लगता है मैं लाइफ को बहुत एंजॉय नहीं कर पाया, मैं इतनी काम में ही इतनी फोकस रहा कि मुझे फ़ायदा क्या हुआ बाद में, ये ओनली काम है और कुछ लाइफ एक अलग साइड में। और बहुत सारे ऐसे मेरी काम में बिगिनिंग से लेके मतलब जो भी मैं जब फाइन आर्ट्स में आ चुका था ऑलरेडी, मेरी इंस्पिरेशन डेफिनेटली जो लोकेलिटी जो मेरी सराउंडिंग्स है वो टेंपल्स है जो मेरे काम में भी आपको मिलेंगे, वो एक टर्निंग पॉइंट में कैसे अपने काम को लाया अपने काम में। फिर मेरी इंस्पिरेशन मदर रही, मदर यूज टू बी वेरी ब्यूटीफुल हैंड एक्चुअली ड्राइंग में, वो मेरी बिगिनिंग गाइडेंस मिलता था। और भी बहुत सारे हैं, फिर उसके बाद मैं BHU आया, BHU भी फ्रेंड्स है मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, मेरे करीब कुछ फ्रेंड्स है मेरी जो अशोक है अनीता है सोनू भोपाल में भी वहाँ भी मेरा फ्रेंडशिप है, देखकर बहुत सारे इंस्पिरेशंस मेरे काम में दिखाई देता है। एंड फाइनली जब मैं काम में आया तो मेरी अभी वाइफ है तो और मेरे कट सर जो मेरे प्रोफेसर है इस सबके इंस्पिरेशन उनके उनके रिस्पेक्ट फॉर द वर्क उनकी डेडिकेशन से मैं शायद वहीं पे खड़ा हूँ। कभी कभी रियूनियन में मतलब बहुत सालों के बाद किसी ने आपको एक्सप्रेस किया मैं तो आपके पीछे पड़ी थी बट आप बहुत मस्त यू नो बिजी थे, या कोई दोस्त रहते बाद में बता रहे ये
ऐसे कुछ नहीं है, सकता वो चलते रहता है, कुछ नहीं ऐसे कुछ चलते रहता है। बलबीर सिंह जो बहुत फेमस है स्कल्पचर में, यू आर हिज वन ऑफ हिज बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड आप भी उनको बहुत चाहते हैं. तो आपके जो अवार्ड्स हैं, जो रिकग्निशन आपको मिला है, तो उनका हाथ कितना है उसमें? मैं आज जो भी हूँ उनके लिए, मैं टोटली होल एंड सोल उनको ही डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं अवार्ड और जो भी मिला, वेरी टू बी वेरी फ्रैंक, एक्चुअली मुझे उन्होंने कभी इस तरह अवार्ड नहीं दिलाया मुझे, ना तो मुझे कोई ऐसे मेरी सेल आउट किया मेरे काम में, ना तो मुझे ऐसे एग्जीबिशन में ऐसे उस तरह मुझे नहीं मिला। बट मैं जो भी मिलता है तो उन्हीं के चलते ना मैं सीखा हूँ, ताकि मेरे ख्याल से शायद ये नहीं दिया वो मेरे लिए एक बून है, ताकि एटलीस्ट मैं खुद स्ट्रगल करके खुद अपने अपने से अपने बलबूते पे मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो शायद वो सर ऐसे ही चाहते थे कि तुम अपने से स्ट्रगल करके स्टंट करो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ। तो वो मेरे लिए एक मतलब इनडायरेक्टली नेगेटिव अपोजिट वे में भी आप बोलेंगे तो मेरा एक पॉजिटिव था ये, कि मैं अगर मैं कुछ हूँ स्ट्रांग, मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ तो एटलीस्ट मुझे, मैं खुश होता हूँ इससे। लेकिन सर का ही आशीर्वाद के बिना, उनकी इसके बिना तो हो ही नहीं सकता था, तो वो कहीं ना कहीं मेरे साथ है। सो आप उनके साथ बहुत टाइम बिता चुके हो, सो उनका क्या स्टाइल था? व्हाट वाज द स्टाइल, एंड वो उनका फोकस कैसा था, कि किस चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे? सर के साथ है, सर का काम कॉलेज के टाइम में हम तो देखते ही रहते थे, लेकिन सच बताया तो हमें समझ में नहीं आता था कहाँ से होते हैं। सर के साथ में चलते हुए, जबकि मैं उनको एक्चुअली मैं सीखने का उनसे मुझे ज़्यादा चांस मिला जब मैं क्वेरी में काम किया सर के प्रोजेक्ट के साथ। उस पहाड़ में हम लोग महीना महीना रहे पूरा, जब वो काटते थे मैं उनको असिस्ट भी करता था, साथ में मैं अपना भी छोटा मोटा स्कल्पचर कर लेता था उनकी गाइडेंस में। और कभी कभी सर बैठ के, जबकि उस सर के पास टाइम नहीं होता था, उनके काफ़ी काम 12 फीट 15 फीट ऐसे ही काम होता था, छोटे तो होता नहीं थे उनके, तो उनके साथ बैठ के जब मेरे काम के ऊपर ध्यान होता था और कभी कुछ डिस्कशन हो भी जाता था, तो मेरे लिए तो उतना ही बहुत होता था एक्चुअली सीखना। और ये जो भी काम सर से ही सीखने को, एक्चुअली सर का जो काम है खास करके, सर मुझे जहाँ तक तो पता है कि सर क्या के जो, खैर अब तो मैं रीड कर सकता हूँ, बट मोस्टली वो नेचर से ही, नेचर के ही ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट करता है मटेरियल और नेचर के साथ, वो रिएक्शन उनके जो उसको मेटामोफिसिस करके एक इनके अपनी सब्जेक्ट होता था, तो वो सब्जेक्ट पे ही वह काफ़ी काम हुआ है। लेकिन सर कभी जाते थे, सर इधर देखते थे, मैं चुप चुप के देखता था सर किधर देख रहे हैं, ताकि वहाँ से क्या लेंगे वो, मैं और पीछे पीछे खड़े होकर देखता था किसे सर देख रहे हैं क्या ले रहे हैं वहाँ से, तो मैं पूछ भी नहीं सकता था, इतना हिम्मत नहीं थी सर अब क्या कर रहे हैं वो तो पूछ भी नहीं सकता हूँ मैं, बट मैं उनको गाइड मतलब फॉलो करता था जी सर क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच पा रहे हैं इसको, अभी तो वो आपके तो स्टूडेंट्स देखते हैं आपको इसी नज़र से? स्टूडेंट्स बेटर बताएंगे। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं, मेरे बच्चे हैं, मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं अगर कुछ भी हूँ तो मैं चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं बोलूँ, मैं जो जानता हूँ मैं शेयर कर लूँ, जो कर्सर हमें शेयर किए हैं, तो किसी तरह इसी तरह वो एटलीस्ट आगे फॉरवर्ड हो, कैरी फॉरवर्ड हो, वो मेरी फोकस होता है। इवन टेक्निक्स सोचने के क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसे फॉर्म को सोचा जाता है, कहाँ से हम लाते हैं, मैं डिस्कशन करता हूँ सर से। अगर मैं कितनी डिस्कशन करके मैं निकाला तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट ए मेन थिंग एक्चुअली एक हमारी आर्ट स्टडीज में ऐसे होता है कि आप सिखा नहीं सकते हो किसी को, लेकिन आप सीख सकते हो किसी से, वो आपके आपकी स्मार्टनेस है, आप किस वे में किस टीचर से किस क्या उनकी अच्छाई आप ले सकते हो वो आपके ऊपर है, बट कोई पढ़ा नहीं सकता आपको, आपको क्या सिखा सकता है, टीचर के पास सब कुछ है, वो तो खजाना है, लेकिन वो क्या देगा, वट एवर यू वॉन्ट टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम यू एक्चुअली, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन इट, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट टू हाउ टू जस्ट एक्वायर दिस थिंग्स एक्चुअली दिस क्वालिटी, सो दिस द वे। सो मेरे स्टूडेंट्स डेफिनेटली प्यार करते होंगे, अगर मैं प्यार करूंगा तो क्यों नहीं प्यार करेंगे मुझे। सुपर. सो प्रकाश अंबेडकर,
जी ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, ही इज वॉचिंग दिस थैंक यू शो. सर। एंड सो स्कल्पचरिंग में आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? हाँ डेफिनेटली स्टोन, नो डाउट। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पार्ट ऑफ बीएचयू एक्चुअली इन माय टाइम व्हेन आई वाज स्टडिंग, सो कटसर के चलते सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली गो विथ दिस मटेरियल ओनली। ऑफ कोर्स वी वेयर प्रोवाइडेड बाई विथ ऑल द मटेरियल्स एक्चुअली, मेटल था वेल्डिंग करने के लिए, सब कुछ मेटेरियल्स हम लोग सब किए हैं। बट जितने स्टूडेंट्स मेरे टाइम में, खास करके स्कट सर के प्रेजेंस के टाइम में, जितने भी स्टूडेंट्स होते थे बनारस के, द प्राइम, ये अगर कोई अगर पूछा जाए जाए द बेस्ट है या सबसे फेवरेट मीडियम तो स्टोन है। एंड स्टोन में इसलिए करने का मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि स्टोन में ऑफकोर्स खुद करना है सब कुछ, खुद काटना है, तो स्टोन इमिडिएटली आपको कम्युनिकेट करता है, इमिडिएटली इन द सेंस, अब मैं जितना काट रहा हूँ मुझे अभी सामने रिजल्ट मुझे सामने है। बट इन मेटल, इन अदर सब्जेक्ट एक्चुअली, अदर मटेरियल एक्चुअली, वो अब मोल्ड होगा, कास्ट होगा, दैट इज ए लेंथी प्रोसेस एक्चुअली। सो द फाइनल रिजल्ट जब निकलेगा आपको टाइम, उसके बाद रिजल्ट के बाद अगर उसमें हुआ तो वो टाइम टेकिंग जॉब है। बट स्टोन में मैं इमिडिएटली इसको करता हूँ, तो मुझे ये भले ये ज़्यादा फिजिकल है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल ये है, लेकिन मैं इमिडिएटली रिजल्ट मुझे मिलता है और मैं आई कैन टॉक विथ माई स्टोन एक्चुअली, मैं कुछ बोल सकता हूँ तो वो मुझे भी पैर करे, मैं तो उसको पैर करता हूँ, तो वो मेरी जो कन्वर्सेशन वो मैं स्टोन से ही ज़्यादा मिलता है, इसलिए मेरे फेवरेट है ये। So before you know touch the stone and you know start working on it, what is the first conversation you have with the stone? वेरी फ्रेंकली स्टोन को मैं फर्स्ट चिजल और हैमर स्टोन के ऊपर रख के, इवन इन द अब्रोड ऑल्सो, सो आई एम गोइंग टू यूज टू गो टू द अब्रोड ऑल्सो, द वाई फर्स्ट कि मैं आंख बंद करके मैं सर को ही ये करता हूँ, सर अभी है नहीं, वो डिसाइफर कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे काम में है, कहीं ना कहीं मुझे गाइड कर रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट ये तो रहता है कि सर की आशीर्वाद अगर मिल गया तो मेरा काम ये अच्छा हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट ये होता है सर को आंख बंद करके मैं सर को ही पहले मतलब जस्ट याद करता हूँ, उसके बाद मैं स्टोन पे सोचता हूँ। डेफिनेटली कोई स्टोन को देखना है तो नेचुरली उसके अंदर वो फॉर्म, जैसे माइकलेंजेलो के बोले थे जो ऑलरेडी वो स्कल्पचर छुपा हुआ है, एग्जैक्टली वो तो सच है कि उस स्कल्पचर में कैसे वो फॉर्म को कहाँ से मैं चिप आउट करके मैं उस स्कल्पचर को रिकरे, ताकि उसके अंदर द ब्रीथ, द जो सोल है ऑलरेडी अंदर है एक्चुअली, वो छुपा हुआ है, सो यू हैव टू रिमूव दोज थिंग्स एक्चुअली द एक्स्ट्रा एरिया, सो दैट जो ब्रीथ है वो आपको उनको निकालना है। सो दैट तो एवरी स्कल्पटर्स, मोस्टली स्टोन स्कल्प्टर्स जो एक रॉ स्टोन से अंदर फिगर को जब निकालते हैं तो वो एक सबके ही फीलिंग होता है कि मैं वो जो मैं विजुलाइज किया हूँ, जो सोचा हूँ, वो कहाँ से निकालूँ, उसको कैसे निकालूँ वहाँ से, वो जो जो फीलिंग है जो वो जब तक टिल द एंड एक्चुअली वो रहना चाहिए और रहता है तभी मैं निकाल पाता हूँ। सो वो एक प्रोसेस है, तो उसको कैसे मैं स्कल्पचर को मैं मतलब अप टू द फाइनल स्टेज कैसे मैं इसको उसको क्लियर करूं, वो एक एक्सरसाइज है, एक एक्सपेरिमेंट है, इट्स अ प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीटली। सो व्हेन यू कीप ऑन शिजलिंग द स्टोन एंड उसमें बहुत सारा डस्ट आता है, यू नो समटाइम्स यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज हु द पर्सन इज, एंड यू नो आई हैव सीन दैट यू place that as your profile picture where you are completely with dust and all that. Lot of artists, you know, place pictures where they really look good or their art. Why did you decide that you will have that profile picture where you are filled with a lot of dust or you know sand ka jo, I mean stone ka jo ye hota hai material, dust hai. Being a sculptor and obviously stone sculptor to तो वो फील होना जरूरी है। अनलेस मैं अगर मैं अगर ये वाला ड्रेस पहन के मैं स्टोन कार्विंग करने जाऊँ, मैं कर नहीं सकता हूँ, वो अंदर से वो फीलिंग नहीं मिलेगा मुझे कभी भी। सो
व्हेनेवर आई एम गोइंग टू डू समथिंग एक्चुअली वो पूरा कंप्लीटली पैकेज मतलब जो पैकअप अगर नहीं हो उस तरह ये तो मेरी मुझे वो फील नहीं होता है, जैसा कि मतलब कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम उसके बाद डस्ट है ऑफ कोर्स वो मास्क है ये सारे सब कुछ है होता है, बट तो वो मतलब जब तक आप उसमें कंप्लीटली खो नहीं जाते हो तो आप काम नहीं कर पाओगे। मैं अगर टाई पहन के मैं स्कल्पचर नहीं कर सकता हूँ तो वो डेफिनेटली वो उसकी कॉस्ट्यूम्स उसकी जैसे मान लीजिए क्रिकेटर है वो तो जब तक तो ये ड्रेस पहनेंगे नहीं वो खेल नहीं सकते, जींस पहन को क्रिकेट नहीं खेल सकते। तक वो फीलिंग तो चाहिए, एक मिलिट्री पर्सन जब तक उनके पास वो वर्दी नहीं आएगा वो फील नहीं कर सकते अपनी कर, तो एक उसकी भी इफेक्ट पड़ता है। ताकि मैं जब वो ड्रेस में आ जाता हूँ सारे तो मैं कहीं भी लेट के भी कुछ भी ग्राउंड में भी मैं मतलब धूल में हो धूल हो या ग्राउंड हो कोई भी हो मैं उसमें चला जाता हूँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है मैं कहाँ कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी मच अटैच्ड टू योर प्रोफेशन एंड योर वर्क ऑल्सो, सो दैट टाइम एक्चुअली यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। So we have some more compliments coming in. Renu Bala Kashyap Rajput ji bol rahe hain, hello Tutu sir. So Hello. she is, and we have a video of for the people who have not seen his work, Mr. Patnaik's video of sculptures and drawing. He is also very good at drawing. So iska ek short video play karenge. So enjoy this. Superb, superb sculptures and super drawings. So we are back, Mr. Patnaik. Hello. Yeah, Mr. Patnaik. Yeah, Yeah. some problem was there. Yeah, we are All back. right. So we have some more compliments coming in. Devi Das Khatri ji, आपको नमस्कार बोल रहे हैं. नमस्कार दादा. हेलो हेलो खेत्री। So when was the turning point आपके लाइफ में? When do you think that this was a good turning point? टर्निंग पॉइंट ऑफ व्हाट आई मीन माय As a प्रोफेशन और profession. देयर आर सो मेनी टफ।
सो वन थिंग एक्चुअली व्हेन आई स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट एक्चुअली वो जब तक एक डिसिप्लिन आपकी एक बैचलर एंड देन मास्टर्स एक डिसिप्लिन एक आपकी वे होता है कि एजुकेशन. बट मैं हमेशा एक चीज़ फील करता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ योर कैरियर जनरली स्टार्ट्स व्हेन यू जस्ट पास आउट ऑफ एवरीथिंग. एक्चुअली आपकी फाइनल मास्टर्स हो गया देन दैट टाइम एक्चुअली द मोस्ट क्रूशियल पीरियड किसी भी आर्टिस्ट के लिए. सो यू हैव टू स्ट्रगल विद दिस एक्चुअली यू शुड गो विद दिस एक्चुअली बिकॉज उस टाइम में आप कितनी मुझे अपनी वर्क सबमिट करना है क्लास वर्क उससे कोई आपको कोई नहीं बोलने वाला. आपको आप खाना खाने नहीं आपको कोई बोलने वाला. आप क्या पैसा कमा रहे हो नहीं कर रहे हो आपको कोई नहीं बोलने वाला. तो मैं हमेशा एक चीज़ बच्चों से बोलता हूँ कि आपकी करियर स्टार्ट होता है उस दिन जिस दिन आप फाइनली पास आउट कर जाते हो. तो आपको आप काम करो या नहीं करो किसी को कुछ पढ़ने वाला नहीं. तो यू हैव टू बी स्टैंड विथ योर सेल्फ एक्चुअली. जो आपको पैसा भी कमाना है अगर आपकी मदर फादर की जो भी अपनी अम्बिशन है तो उनको भी आपको पैसा अगर आपके पास से तो देना पड़ेगा. या हो सकता है आपके अगर मैरिड लाइफ स्टार्ट हो गया तो उसमें भी आपको डिवोट करना है पैसा को उसमें भी लगाना है. ये सब को होने के बाद ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ एक्चुअली एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू दिस वन. बट वो सब करने के बाद भी आप एक आर्टिस्ट हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैं क्या करूं कैसे काम करूं अपना. वो जिस दिन वो सब के बाद जब जो पैसा चाहे उसमें से कुछ बचा के चाहे आप किस तरह की स्वे में आप अपने की जो अपना जो एक पैशन जो भूख है उसको कंटिन्यू कैसे करना है वो द मोस्ट क्रूशियल पीरियड होता है एक आर्टिस्ट के लिए. या उसके कैसे आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो कैसे उसको फिर आगे आपकी मतलब फॉलोअप करते हो अपनी 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 पैशन को. बाकी चीज़ तो सबके पास होता है सबको स्टडी करना है उसके बाद पास आउट करके जॉब करना है पैसा कमाना है फैमिली बनाना है अपनी से वो तो सबके लिए है. बट आप जस्ट वो सब नहीं हो कि उस सबको छोड़ के आप एक आर्टिस्ट हो आप एक स्कल्प्टर हो वो पैशन कहाँ तक आप ले सकते हो. सो मैं ऐसे बात नहीं कि मैं पढ़ाई के बाद मैं अपनी स्कूलिंग कॉलेज में भी पढ़ाने लगा फिर उसको छोड़ के मैं फ्रीलांस करने लगा फिर स्कूल में भी जॉब करने लगा फिर मैं कॉलेज में भी अभी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में भी मैं क्लासेस फिर से लेने लगा. लेकिन बात है कि वो एक मेरी साइड है जो मैं कम्युनिकेट करता हूँ किसी से. बट इसके कहीं ना कहीं मेरी प्रोफेशन क्या मैं खुद क्या हूँ मैं टीचर हूँ या स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ वो द सेकेंडरी पार्ट एक्चुअली. बट मैं कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ मैं क्या सीख रहा हूँ और तो मेरा ख़त्म हो गया है मैं मास्टर तो नहीं बन गया मैं तो मुझे भी आगे कुछ बढ़ना है मुझे भी कुछ सीखना है. वो एक उस स्टेज वो अगर आपके पास वो इन द सेंस वो पर्पस नहीं होगा एक लाइफ का तो आपको एक जनरल मतलब जो भी पर्सन है उनके साथ आपके बराबर हो जाएगा. लेकिन आप कुछ डिफरेंट होना चाहते हो. सो मेरी वेरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक्चुअली मैं जब स्कूल में भी था मैं अपने में थोड़ा डिफरेंट था अपनी फैमिली में हो या जैसे मैं डिफरेंट वाला मैं जो जो जिस वे में सारे जाते मैं नहीं चाहता था कभी जाना. तो मैं कुछ डिफरेंट होने के लिए मतलब एक चैलेंजिंग जिसको बोल सकते हैं जब जो जो सारे मैं देखा हूँ या सारे जो जाते हैं उस जाना नहीं चाहता था मैं कभी भी. मैं पूरा बचपन से ही मेरा था ऐसे. मैं वो फाइन आर्ट्स की बात नहीं बोल रहा हूँ मेरा टोटल टेंडेंसी ऐसे था. तो वो मेरे लाइफ में ऐसे जब मैं फाइन आर्ट्स में आया फिर मैं अपने तो और मैं कभी फिक्स नहीं हो पाता हूँ. मेरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं कुछ दिन एक स्कल्पचर या एक स्टाइल पे या एक टाइप के काम पे दो तीन चार करने के बाद दो तीन चार तो फिर भी ज़्यादा है मेरे ख्याल से एक दो करने के बाद ना मैं जल्दी फेडअप हो जाता हूँ. तो मुझे कुछ नया वे चाहिए मैं नया वे भी कर रहा हूँ. मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा हूँ. मैं शायद मैं कॉलेज के टाइम से थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पढ़ रहा था तभी मैं कुछ आर्टिस्ट को देखा हूँ. मैं आज भी उनका काम उतना ही देखता हूँ मैं कि चेंजेस मतलब वो जो स्टैम्प है जो एक पर्टिकुलर स्टाइल है किसी का मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ कि फिक्स हो जाना तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा. तो मेरी काम में बहुत सारे चेंजेस है टर्निंग पॉइंट बोल रहे हैं बहुत सारे चेंजेस में आते रहता है. मैं फेडअप हो जाता हूँ फिर दूसरा लेता हूँ फिर फेडअप होता हूँ दूसरा लेता हूँ. मैं
ऑल ओवर किसी तरह आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है एक के साथ दूसरे, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें कहीं भी कनेक्टिविटी सडनली चेंज नहीं हो सकता, बट स्टिल मैं चेंज होना, मुझे मुझे फिक्सेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कभी भी फिक्स नहीं होना चाहता हूँ, अभी भी कुछ सोच रहा हूँ, कभी ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं बोर नहीं होता हूँ, शायद इसलिए मैं जिंदा हूँ, मतलब मैं अलग अलग चेंज करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो टर्निंग पॉइंट है जहाँ तक मैं करें, जैसे मेरा हमारी जो स्टडी प्रोसेस है राइट फ्रॉम द कॉलेज स्कूलिंग, जो हमारी टोटल वेस्टर्न स्टाइल से स्टडी प्रोसेस, जैसे लाइव ड्राइंग करना है, लाइव स्टडी करना है, वो एक्चुअली इंग्लिश फ्रेंच ये लोग आए यहाँ पे, वहीं से स्टार्ट हुआ, जो हमारी जो पर्टिकुलर एक मॉडल को रख के जो चरित्र स्टडी करना या जो रियलिज्म, जो रियलिस्टिक काम करना, ये वहीं से स्टार्ट हुआ, तो वो स्टडी प्रोसेस अभी भी स्टिल कंटिन्यूइंग। बट क्या हमारे इंडियन स्कल्पचर में या इंडियन क्लासिकल स्कल्पचर हो या जो मिनीचर पेंटिंग्स है, क्या उसमें लाइफ नहीं है, उसमें फिगर नहीं है? उसमें फिगर है, बट वो एक डिफरेंट वे में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको आइडियलिस्टिक रियलिज्म बोलते हैं, जो रियलिज्म जो वेस्टर्न खास करके रोमन या ग्रीक से फिगर्स को प्योरली फिगर रियल को स्टडी करना स्टार्ट हुआ, तो हम लोग कभी रियल करते हैं, बट इट हैज ए समथिंग सब आई मीन यू कैन से एक प्लेस से प्लेस, जैसे गुप्ता पीरियड है या कुषाण पीरियड हो गया, जितने भी पीरियड सब चेंजेस हुए, पल्लवा हो गया या वो सब सारे फिगर है, लेकिन बट इट हैज ए स्पेसिफिक स्टाइल, एक्चुअली पल्लवा पल्लवा टाइप का ही काम करते हैं, या गुप्ता गुप्ता के टाइम है, या प्रतियारी पीरियड हो, जो भी सारे वर्क्स आए, तो मेरा मतलब फिगर तो स्टिल है बट इट हैज ए स्पेसिफिक एक स्टाइल है, जो रियलिज्म हम लोग लेते हुए भी चेंज करते हैं उसमें, इंडियन क्लासिकल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। बट हमारी जो स्टडी प्रोसेस, हम इमिडिएटली पढ़ने के बाद इमिडिएटली हम फोकस करते हैं कि वेस्टर्न में क्या हो रहा है, वेस्ट कंट्री में क्या हो रहा है, वो कैसे फिगर को देखते हैं या जो भी स्कल्पचर्स है। सो मेन थिंग कहीं ना कहीं मुझे फील होता है ऐसे कि जब जब बाहर से वो वेस्टर्न, वो उनकी विजन है, उनकी अपनी सराउंडिंग्स के साथ वो डेवलप हुए हैं, हम यहाँ बैठ के हम उस सराउंडिंग्स को क्यों के इतना जल्दी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग स्टडी प्रोसेस में, स्टडी में हम जो ग्रेट मास्टर्स है, ग्रेट स्कल्प्टर्स है या ग्रेट पेंटर्स है, उनको पढ़ते हैं बहुत जल्दी पढ़ना हो स्टार्ट हो जाते हैं, हेनरी मूर पढ़ते हैं, ब्रांकुसी पढ़ते हैं, बाबा हेपवर्थ पढ़ते हैं, स्टीन है, जो कोमेती, जितने भी सारे ये मास्टर्स हैं उनको हम जल्दी पढ़ते हैं, हम कितने विष्णु धर्मोत्तर पुराण पढ़े हैं या शिल्प शास्त्र कितना पढ़े, जो इंडियन क्लासिकल स्कल्पचर्स के हम नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं तो वो थियोरेटिकल पढ़ते हैं, बट वो उसका जो मेजरमेंट वो ये सारे हमारे स्टडी प्रोसेस में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है, और प्रॉबली मुझे नहीं लगता कि सारे कॉलेज में इस तरह एक स्पेसिफिक एक स्पेशल टीचर होते हैं जो इस टाइप का काम करने के लिए होते हैं, मुझे नहीं लगता सारे टीचर्स होते भी हैं। तो इन द सेंस हम वेस्टर्न से जल्दी अटैच हो जाते हैं, वेस्टर्न स्टाइल वेस्टर्न के, हम अब आज के टाइम में तो हम सब कुछ हमारी फिंगर टिप में है, हम जल्दी से ऑनलाइन हो मतलब कुछ भी हम सर्च करें और सब कुछ मिल जाता है हमें, शायद हमारे टाइम में बुक्स को छोड़ के और कुछ था ही नहीं, और बुक्स भी मिलता नहीं था, कभी टीचर के पास होता था, कभी कोई टीचर कोई स्टूडेंट ले जाता था कॉलेज में, तो मिलता नहीं था, कभी लाइब्रेरी बैठ के कुछ पेजेस पलटा लिए उतना ही हमारे पास, तो उससे ज़्यादा हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं था, हम तो इतना नहीं क्लोज हो पाते थे, आज के टाइम में तो आपको कुछ रिसर्च करना भी ज़रूरत नहीं, जस्ट फिंगर करके पूरा ही डाटा आ जाएंगे सबके ऊपर, तो इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी है कि हम और ज़्यादा वेस्टर्न के साथ और ज़्यादा ही हम लिंक होते जा रहे हैं, ये चीज़ मेरा भी काम में था, जो टर्निंग पॉइंट में आपको बताने वाला, मेरे काम में भी, मैं मास्टर्स किया, मास्टर्स करने तक भी मेरी कहीं ना कहीं वेस्टर्न स्टाइल का उसमें कनेक्शन, उसमें इन्फ्लुएंस था, उसमें ऑफ कोर्स मेरे इन्फ्लुएंस मेरी प्रोफेसर के तो होता ही था, प्रोफेसर सर भी थे अभी भी मेरे काम में हैं, और वो अटैचमेंट वो जो कनेक्शन वो तो चलते गया, लेकिन मैं मेरा 2002 में एक शो था दिल्ली में श्रीधरनी आर्ट गैलरी, एंड इट वाज वन ऑफ माय आई मीन यू कैन से इट्स अ टर्निंग पॉइंट इनटू माय अनदर लाइफ, एक्चुअली अनदर एक रास्ता मुझे मिलने का चांस मिला, सो दैट टाइम एक्चुअली मैं कुछ ड्राइंग्स आप शायद देखे होंगे, कुछ टेम्पल टेम्पल के कुछ फिगर्स है,
एंड वेन एवर आई यूज टू गो टू माई होम टाउन, मैं होल डे एक्चुअली मैं उसी टेम्पल के सराउंडिंग्स में बैठता था, हाथ में स्केच बुक है और मैं वो स्टडी करता था, स्केचिंग कर रहा था। मुझे नहीं पता था मैं किस इंटेंशन में ला था। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्टूडेंट लाइफ, नॉट स्टूडेंट में जब भी मैं घर गया वो किसी टेम्पल के पास बैठ के मैं स्केचिंग करता था। अब मुझे नहीं पता था इसकी क्या आगे जाके क्या इसको आउटकम क्या है इसकी। बट वो मैं जो 2002 में शो में मैं इंडियन क्लासिकल स्कल्पचर जो मेरी उड़ीसा का पर्टिकुलरली सोर्स लीजिए है वो स्टाइल को मैं कहीं ना कहीं फिगर का और मैं उसमें उसको मैं अटैच करना स्टार्ट किया इन माई वे, नॉट एग्जैक्टली द क्लासिकल थिंग एक्चुअली मैं लाता नहीं था, बट वो वेरी क्रिटिकल और इतने डिफिकल्ट टाइम था कि मैं मुझे जब पता है क्लासिकल स्कल्पचर है क्या, इवन मैं क्लासिकल स्कल्पचर भी मॉडलिंग किया हूँ, कार्विंग भी किया हूँ, वो स्टाइल को मैं कैसे मैं अपनी अपनी जो स्टाइल था कि मैं एक मॉडर्न पीरियड में ही एक स्टाइल के साथ जा रहा हूँ और लेकिन क्लासिकल का भी जो पीछे से जो पुलिंग है वो भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो दोनों को मैं असेंबल करके एक नया स्टाइल, नया वे में स्टाइल में बोलूँ नहीं, मैं एक एक्सपेरिमेंट किया था एंड दैट्स एग्जीबिशन एक्चुअली काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स है, आर्ट क्रिटिक्स किशन चैतन्य, के नायर, उसमें के एल कोल, काफ़ी फेमस क्रिटिक्स, उनके बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला मुझे। मैं मॉनिटरी सेक्शन में नहीं बोलूँ जी, उसमें शायद दो या तीन स्कल्पचर मेरा गया था, मैं उसके लिए मैं रेड नहीं था, बट मुझे इसमें इम्पैक्ट क्या उनकी क्या रिएक्शन है वो बहुत मेरे लिए बहुत मीन करता था। और मैं एक तरह मेरे लिए बहुत डर था जो मैं क्या था कि मैं ऐसे सब्जेक्ट को मैं लेके आ रहा हूँ जो सबको पता है और कहीं कोई नहीं बोले कि ये क्लासिकल आर्ट से तुमने पूरा लाके खड़ा कर दिया, तो मेरे लिए बहुत एक डर था जिसको बोल सकते हैं आप। बट वो रेस्पॉन्स मिलने के बाद मैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, मैं अपने से ही एक्सपेरिमेंट किया। और मुझे नहीं पता है जो क्या वेस्टर्न में वेस्ट में क्या स्टाइल चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, वो उनका चलता होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अपने को ट्रेंड को कैसे मैं अपनी भलाऊँ करूँ वो मेरा पहला इंटेंशन होता है। जब मुझे अपने वे में ही चलना है, मुझे कोई किसी का वे से मतलब नहीं है, क्या ट्रेंड चलता है वो उनकी ट्रेंड है, तो मैं ट्रेंड को फॉलो करने से बिना ट्रेंड सेटर क्यों नहीं बन पाऊँ, मेरा वो हमेशा एक रहता है। जब मैं अपने स्टाइल में कर लूँ, अगर कोई किसी को अच्छा लग रहा है करो या नहीं करो, मैं मुझे तो करना है, नो मेरी गॉड से। We have some more, comments here. रेनू बालाजी पूछ रहे हैं, टूटू सर, मैं दिल से आपके वर्क और आपकी रेस्पेक्ट करती हूँ। आप स्टोन के सैक्रिफाइस, ट्रीटमेंट और कॉम्पोजिशन को बनाने से पहले इंस्पिरेशन या कॉम्पोजिशन को शुरू करने से पहले क्या फीलिंग होती है? इंस्पिरेशन मैं जैसे बताया कि आपको मेरी बिगिनिंग इंस्पिरेशन आज के टाइम में, आज की जितनी स्कल्पचर्स है जो मेरी खास करके जो अब्रॉड में मुझे कर तो जो इंडिया में भी, लेकिन इंडिया में स्मॉलर साइज होता है, बाहर बड़े बड़े करता हूँ, वो इंस्पिरेशन डेफिनेटली मेरी बैकग्राउंड है, जहाँ से मैं जिस सराउंडिंग से मैं बड़ा हूँ, एंड दैट यू कैन से कि वो जो भी मैं मास्क को कैसे हैंडल करने का जो वो ट्रीटमेंट, ये सारे वो क्लासिकल या मेरी अपनी सराउंडिंग से ही आया हुआ है। जो ब्रोकननेस जो है, जो एक फ्रैगमेंट्री एक इफेक्ट है कि मेरी सराउंडिंग में मैं जो टेंपल मेरे पास काफ़ी रुइंड कंडीशन में, काफ़ी टूटे हुए कंडीशन में थे, मैं उसी ग्राउंड में खेलता था, मुझे कोई पूरा कम्प्लीटली फिगर कम्प्लीटली वेल पॉलिश हुए मुझे पसंद नहीं होता है, तो मैं कहीं ना कहीं वो ब्रोकन जो फीलिंग है मुझे मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि मैं हिस्ट्री से रिलेट कर पाऊँ अपने को, जो मेरी हिस्ट्री है या मेरी मेरी सराउंडिंग, मेरी सॉइल की जो हिस्ट्री है, उड़ीसा नाट है, तो उससे मैं कभी मैं उसके साथ अटैच हो जाता हूँ जब मैं सॉरी जो मैं उसमें अपने स्कल्पचर में देखता हूँ। तो इंस्पिरेशन डेफिनेटली, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे स्कल्पचर्स को मैं लेके आज की जो प्रेजेंट इश्यू प्रेजेंट जैसे सपोज एक काम मेरा बामियन जो 2001 में जो डिमोलिश किया गया बामियन,
उसके ऊपर एक स्कल्पचर में यहाँ पे भी था दिल्ली में, और मतलब यहाँ पे बनाया था अहमदाबाद में, वहाँ पे डिस्प्ले हुआ था। और वो काम मैं 18 में असवन में मैं काटा, असवन द होमेज टू बामियान करके, बामियान बुद्धा जिसको डिमोलिश किए थे तालिबान में। तो वो भी एक तरह मेरी इंस्पिरेशन, जो आज के एक इशू, प्रेजेंट इशू, जो जो फीलिंग है आज के सराउंडिंग्स के साथ जो है, उसको मैं अपने काम अपने वे में कैसे उसको मैं उसको रिफ्लेक्ट करूं, वो मेरी इंटेंशन रहता है। तो इंस्पिरेशन एक कनेक्शन है मेरी ओल्ड, मेरी अपनी स्टडी प्रोसेस या वो मेरी सराउंडिंग्स से लेके आज के सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन को मैं दोनों लिंक करके मैं कुछ निकालता हूँ। वो मेरी एक्सरसाइज है। मैं पता नहीं मैं कितनी भी सक्सेसफुल हूँ, नहीं मुझे पता नहीं, बट आई एम ट्राइंग, स्टिल आई एम ट्राइंग। थैंक लवली क्वेश्चन रेणु बालाजी। अजी यू। अजय समीर जी बोल रहे हैं, फेंटास्टिक स्कल्पचर्स, वेरी पावरफुल ड्राइंग्स। थैंक यूसुफ सर बोल रहे हैं स्वागत। रेमी कुमारी यू जी भाई। गुड मॉर्निंग बोल रही है। रेणु बालाजी बोल रहे हैं, तो सर आपके स्कल्पचर का कॉम्पोजिशन और सरफेस ट्रीटमेंट बहुत ही यूनिक है, से कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। रेमी कुमारी जी बोल रही हैं कि बिल्कुल सर, आई एग्री विथ यू, खुद को रोक के कभी नहीं रखना चाहिए, तो गुड वन। तो पटनायक जी, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर इंटरनेशनल ट्रिप्स, तो व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एंड हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस? कुछ चैलेंजेस थे या यू नो इट वाज़ वेरी इजी देयर? नो, नॉट एट ऑल, नॉट ईजी। एंड एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एक्चुअली मैं जब भी बाहर जाता हूँ, देन एवरी ईच एंड एवरी कल्चर हैज ए स्पेशल चैलेंज है, वो मैं फेस करता हूँ मैं। एंड वो अच्छा है कि चैलेंज है, ताकि इतनी ईजी समझना भी नहीं चाहिए। सो 2009 वॉज अनदर टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। सो एक मुझे चांस मिला, यानी कि मेरे एक फ्रेंड है जो फ्रांस में सेटल्ड है, तो उनके थ्रू में एक्चुअली मुझे एक एक ज्वाइन करने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ, ताकि मैं कुछ ड्राइंग्स भेज के, वो एक्चुअली एक फ्रांस में, वेस्ट ऑफ फ्रांस, एक प्लेस है लापीडियल्स करके, एक रेसिडेंसी होता है वहाँ पे। वो एक्चुअली एक क्वेरी था जो अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो पेडेस्टल जो सप्लाई हुआ था, उसी क्वेरी से स्टोन एक्चुअली सप्लाई हुआ था, वो है फ्रांस से। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज मेड बाई वन फ्रेंच आर्किटेक्ट, यू मस्ट बी नोइंग एक्चुअली। एंड वो भी एक प्रेजेंट किया था, फ्रेंच गवर्नमेंट अमेरिका को प्रेजेंट किया था। तो उसकी जो पेडेस्टल का जो स्टोन था, वो यहीं से गया हुआ था एक्चुअली, एक माउंटेन, उसकी लाफिडल, उसके पास में एक रिवर है, रिवर शारंत, तो वहाँ पे लोड होके, छोटा सा पोर्ट है, आजकल लोग तो चल नहीं रहे वो पोर्ट, लेकिन वो छोटा सा पोर्ट में बोट से ये लोग अटलांटिक थ्रू में लेके जाते थे अमेरिका। तो वो तभी पहले का एक्चुअली वो माउंटेन, उसके बाद वो कम्प्लीटली बंद हो गया था, उसमें जंगल टाइप का बन के और अबेंडन हो गया था कम्प्लीटली। 2000 में फ्रेंच गवर्नमेंट इन कोलेबोरेशन विथ वन एनजीओ, जे जस्ट ओपन दैट प्लेस अगेन, सफाई करके पूरा सारे प्लेस करके, दैट ईच एंड आई मीन एवरी ईयर दे यूज टू invite actually six sculptor, of course not invitation, actually you have to send your drawings and project, and they select out of some artists, actually they select six out of them. Then they I got this this chance, actually this opportunity first time in the 2009, and usme ek mountain ko katna hai, and the main iski jo rule hai ki aapko you have to carve by hand only, hand tools only, no electrical tools were allowed. Till now, they don't prefer actually electrical tools. जो भी grinder है, जो भी cutters, nothing. You have to do with the chisel, hammer, the traditional process. And there are some picks to put some texture. So those were actually like मेरे 2009. Of course challenging because such a big wall, 30 feet का wall था करीब, and height था करीब 11 feet का था height, और 30 feet का wall पे आपको वो area को लेना है. मुझे बोला गया कि half wall लेना है या कितना लेना है, ताकि उसमें एक कंडीशन था उसमें कि आपको अगर 2 मंथ्स आपको ईच ईयर मिलेगा, अगर एक साल ख़त्म नहीं किए, सेकेंड ईयर आपको आना है 2 मंथ्स,
उस साल भी नहीं खत्म किए, थर्ड ईयर जाना है, एंड दे आर पेइंग वेरी वेरी गुड मनी ऑल्सो, बट इज लाइक रेसिडेंसी दे विल प्रोवाइड, दे यूज टू प्रोवाइड वन गेस्ट हाउस, आप रहें वहाँ पे, आप फैमिली के साथ रहें 2 मंथ्स एंड देन वट एवर यू आर वर्किंग एक्चुअली आप करते रहिए। तो वो मेरी प्रोसेस था कि मैं वर्ल्ड में जब जब मुझे पता कि टाइम लिमिटेशन नहीं तो मैं क्यों नहीं पूरा फुल वर्ल्ड लूँ, तो फुल वर्ल्ड 30 फीट मुझे मिला, बट आई यूज 24 फीट, 6 फीट दोनों साइड से थोड़ा स्पेस छोड़ने के लिए, 3-3 फीट, तो 24 फीट बाई 11 फीट, 11 फीट में स्पेस था एक्चुअली। तो टोटल वो ड्राइंग्स भी शायद दिखाया होगा उसमें, होम इज टू मदर अर्थ एंड दोज टोटली वॉल, एक्चुअली ह्यूज वॉल, आप मतलब वो ऐसे फोटो देखना और उसके सामने खड़े होने में एक अलग फीलिंग है, मतलब जैसो मतलब यू हैव टू बी कम्प्लीटली पागल होना है, क्रेजी होना है तभी उसको कर सकते हैं, नहीं तो एक डर तो हो गया, इतना बड़ा वॉल को मैं अकेला किससे काटूंगा, वो भी हाथ से, हाथ और चीजें लो हैंड। तो वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, और फर्स्ट टाइम आई वॉज एंटरिंग आई मीन दिस ग्राउंड, फॉरेन ग्राउंड में, और उनकी अपनी लाइकनेस, उनके अपनी वो काम करने का तरीका, ये सब मेरे टाइम में करीब हम 4 स्कल्प्टर्स थे मेरे टाइम में, तो उसके बाद दो मेरे ख़त्म होने के बाद 2 आए बाद में, तो वन वाज फ्रॉम रशिया, वन वाज फ्रॉम फ्रांस, वन वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड, ऐसे करके हम लोग सारे 4 थे फ्रेंड्स। तो वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मैं अपना वॉल कर रहा था, तो इस तरह उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। उसमें मुझे जब फर्स्ट बोला गया, जब मुझे पहले पूछे कि ये काम कर सकते हो, ये वाला आप कर पाओगे, तो डर तो अंदर से तो डर था, बट स्टिल आई डू, तो आप पहले सोच लो, नहीं तो छोटा सा ड्राइंग करके कहीं साइड कर लो, नहीं तो मैं नहीं मुझे करना ही वाला। तो मैं वो चैलेंज लिया, 2 मंथ्स इन 2009 एंड 2 मंथ्स इन 2010, देन आई फिनिश दैट जॉब। एक्चुअली इसे मतलब मेरे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, इसलिए कि एंड दैट एक्चुअली वो क्या प्रोजेक्ट करना है, तो मदर अर्थ उसमें सब्जेक्ट इसी तरह है, मदर अर्थ तो कोई भी कंट्री हो, मदर अर्थ तो मदर अर्थ है, एंड आई प्रोजेक्टेड दैट वे एक्चुअली जो पिएटा, जो मदर मेरी के हाथ में लैप में जीसस क्राइस्ट, उसी के उनकी ड्राइंग के अकॉर्डिंगली मैं इसको प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया। मेरी एक ड्राइंग दिखाए होंगे, जैसे पहले का जो एक पुल कर रहे हैं वो हाथ मसल्स वगैरह, थोड़ा फोरशॉर्टन फिगर है कि एग्जैक्टली रियलिस्टिक नहीं है। मैं पहले का मेरे कॉलेज टाइम की ड्राइंग था उस, वो कभी आके कॉलेज टाइम में, मैं मतलब 86-87 की बात बता रहा हूँ, और अभी आके 2009 में वो ड्राइंग कैसे हेल्प किया मुझे, कि मैं तब का ड्राइंग हुआ, मुझे थोड़ी पता था मैं फ्रांस जाऊँगा, इस तरह मुझे कभी चांस मिलेगा करने के लिए, बट वो कहीं ना कहीं मुझे उस वे में मैं इसको प्रोजेक्ट किया, देन अच्छा इम्पैक्ट रहा बहुत उस, इसी स्कल्पचर के चलते मेरे फ्रेंड्स इतनी सर्कल बढ़े बाहर, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड सो मैनी फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरी इंटरनेशनल फ्रेंड्स है, मुझे नहीं लगता है मैं उससे ज़्यादा शायद मुझे इंडिया में इतने फ्रेंड्स होंगे जितना मेरे बाहर है, एंड दे लव नॉट ओनली कि हम जाके एक प्लेटफॉर्म में काम करते हैं हर साल, बट हमारी एक अटैचमेंट है, एंड वो कम्युनिकेशन स्टिल अभी भी मेरे ख्याल से कुछ रिप्लाई भी उनसे आ रहा होगा, मुझे पता है फॉरेन फ्रेंड्स मेरे, तो ये सारे चांसेस मिला मुझे। देन उसके बाद 2009 और 10 के एक्सपीरियंस के बाद, उसमें जितने भी स्कल्पर्स थे उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स भी थे किसी किसी अपने अपने कंट्री में, उसके बाद वो मुझे एक तरह ओपनिंग मिल गया, ताकि मैं एक के बाद फ्रेंड्स का इन्विटेशंस, काफ़ी सारे इन्विटेशन मुझे आता था कंपटीशन के थ्रू में, इन्विटेशन भी है, सो मैं स्टेज टीचिंग इन स्कूल ऑल्सो, सो मैं जनरली उसमें चूज करता था एक साल में 2 ही कंट्री जा सकता हूँ, बाकी टाइम मुझे पढ़ाना भी है, मैं अपना स्कल्पचर भी करना है, प्रोजेक्ट्स भी करना है, तो मैं 2-2 कंट्री जाता था हर साल, तो तब से चल रहा है, अभी भी बहुत सारे कंट्री को छोड़ना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। आपका जो कि होमेज टू मदर अर्थ है, यू नो, ये फोटोग्राफ ऑडियंस देख रहे हैं अभी, सो इसमें उड़िया में आपने कुछ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप उड़िया में एक एक्चुअली मदर अर्थ
वो लैप उसके जो ड्राइंग है उसके स्कल्पचर से भी काफ़ी सारे क्लैरिटी आ गया होगा कि एक जो डिवास्टेशन है, जो एक मतलब रूइन कंडीशन में अर्थ है पूरा, तो नीचे वाला अर्थ है वो एक्चुअली माउंटेन था, उसमें एक क्रैक जो है नीचे वाला, वो क्रैक ऑलरेडी था, तो मैं उस क्रैक को यूज़ कर रहा था, मेरी अपनी जो एक सिग्नेचर जिसमें स्टिच देता हूँ, इट्स ए पार्ट ऑफ माई सिग्नेचर एक्चुअली, ऑल ओवर मेरी जितनी फ्रेंड्स है बाहर भी है, सबको पता है, उससे वो कम्युनिकेट कर जाते हैं, टू टू का ही वर्क होगा, तो उसको मैं टैक्टफुली उसको क्रैक को मैं यूज़ किया, उसको अर्थ को लिया, तो अर्थ इज जस्ट इन डिके सिचुएशन राइट नाउ, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जैसे जो जो कैलामिटी, जो ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे प्रॉब्लम, जो सारे नेचुरल प्रॉब्लम है, उससे जो डिवास्टेशन जो होता है इसीलिए होता है, चाहे सुनामी हो जाए चाहे कुछ भी, वो फोकस करके मैं उसमें बीच में वो सेव कर रहा है, एज ए सेवियर मदर अर्थ, एज ए सेवियर, जो भी सेविंग द मैनकाइंड एक्चुअली, द पर्सन जो जीसस हो या कोई भी है ह्यूमैन हो, तो उनको वो सेव कर रहा है, अराउंड सराउंडिंग्स में जो है सारे वो प्लैनेट्स, ये सैटर्न, जो सब कुछ प्लैनेट्स वगैरह सारे सराउंडिंग्स में, नीचे वाटर है, ऊपर से वो जबकि वहाँ पे प्लेस नहीं था, जबकि मैं मेल्टिंग वो फॉर्म करना था, उसको नीचे किया मैं आके, और दोनों साइड में जो लिखा हुआ था वही है, उड़ीसा का एक एक बहुत अच्छा बहुत पॉपुलर प्ले है, माँ माँ तुम्हें जगत और सहा भरोसा, सब समथिंग उड़िया कि मतलब माँ आप मतलब आप ही सब कुछ हो, आप ही हेल्प कर रहे हो हमें, मतलब हम लोग आपके चाइल्ड है, तो आप ही सेव करोगे हमें, वही इसका मेन रिएक्शन था, मतलब वो दोनों लिखा हुआ है, दोनों प्रेयर है एक तरह, एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो जितना स्पेस मिला मैं वो लिखने का चांस मिला, पूरा कंप्लीट नहीं है, ताकि स्पेस ही नहीं था इतना, यही दोनों साइड में, और बीच में वही पिक्चर है उसका। Superb, superb. So we have some more comments coming in. Sunny Lakra is saying, great work, sir. माय स्टूडेंट या रिमी कुमारी जी इज थैंकिंग फॉर रीडिंग दी कमेंट्स, हमारे कमेंट्स रीड करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए, इवन ऑल कमेंट्स. सो दैट्स फ्रॉम रिमी जी, एंड थैंक यू शी इज़ ऑल्सो सेइंग वेल डन एंड कंग्रेचुलेशन टू टू सर. आप अपने लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे. आई विश यू ऑल द बेस्ट सर. तो थैंक यू थैंक यू। मेरे छोटे भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स, आप लोग के अटैचमेंट के बिना, आप लोग के प्यार के बिना मैं तो कर नहीं सकता हूँ, वो मेरे लिए एक तरह बून है, आप लोग के साथ में रहोगे तो बिल्कुल मैं करूँगा, मेरे पास हिम्मत आप लोग को, थैंक यू। तो आपने आर्ट रेजिडेंसी करके एक आइडिया स्टार्ट किया है सो फॉर एग्जैक्टली स्टूडेंट्स. सो ये आइडिया कैसे शुरू हुआ, एंड यू नो व्हाट व्हाट वाज रनिंग इन योर माइंड? इनफैक्ट वो मेरे स्टूडेंट्स थे, खास करके मैं कॉलेज में मैं जब क्लासेस लेता था तो मैं कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड मोर इनटू स्टोन एक्चुअली, वो मेरे उनको मैं पिक किया सीधा कि बच्चे वेकेशन होने वाला है अभी, अब घर जाओ 2-3 दिन में मम्मी पापा को ये करके फिर वापस आओ, एक रेसिडेंसी करेंगे। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी स्टोन्स है, सैंड स्टोन, मेरी प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है तो उसमें छोटे पीसेस है, तो मैं छोटा काट नहीं पाता हूँ अभी, मेरा प्रॉब्लम ये कि मैं बड़ा काट नहीं, जब तक छोटे में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है छोटा करूँ क्या, तो मेरे ये था कि इसी तरह स्टूडेंट्स को ला के उनसे काम करेंगे, वो अपना ले जाओ स्टोन्स ले जाओ अपना काट के, तो मेरी रेसिडेंसी इसलिए था कि मैं जो जिस वे में पढ़ाऊँ, कटसार मेरे प्रोफेसर के थ्रू में, जो हम लोग के कॉलेज में कोई इलेक्ट्रिकल टूल्स अलाउ नहीं था BHU में, इवन कॉलेज में भी बना दिल्ली में मैं जब पढ़ रहा था मेरे पास इलेक्ट्रिकल टूल्स ना, सब कुछ हाथ से करना होता था, तो दैट वे दैट बेसिक वे जो जो भी ट्रेडिशनल कारपर काटते हैं या जो बेसिक वे, वो मुझे स्टूडेंट्स को सिखाना था जो बनारस, खास करके बनारस जो स्टोन कार्विंग के लिए ज़्यादातर नोन है, तो नेचुरली मैं जो वे मैं सीखा हूँ तो कहीं से तो मैं आगे उसको मतलब करूँ, स्टूडेंट्स को शेयर कर पाऊँ, वो मेरा इंटेंशन था, तो स्टूडेंट्स को बुलाया तो मेरे अपने स्टोन्स दे दिया उनको, उनको स्टोन में उनको दिया, उसमें से अपने चूज करो मैकेट बनाओ, वो एक रेसिडेंसी था लेकिन कहीं ना कहीं वो तरह का क्लास चल रहा था, मुझे ऐसे लगा, तो वो भी मुझे मैकेट भी उनको मैं मुझे अप्रूव करना है, उनको काम भी देखना है, कार्विंग कैसे किया जाता है, रेसिडेंसी नाम के लिए था लेकिन वो था एक तरह क्लास था कम्प्लीटली। एनीवे बच्चे एक्चुअली 15 डेज के लिए स्टार्ट था,
लेकिन वो ऐसे चलते चलते महीना हो गया, क्योंकि बच्चों को तो पहली बार वो हाथ से काट रहे हैं, ताकि स्कूल स्केल में हाथ से नहीं ट्रेन किया जाता है, ज़्यादातर सबको एक ग्राइंडर चाहिए, अदरवाइज वो कर नहीं सकते। तो वो पता नहीं ये फर्स्ट लाइफ फर्स्ट टाइम है, तो इसीलिए वो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है कि अभी जो जो बेसिक टेक्निक है उसको कैसे उसको फील करें। तो वो चीज़ को मैं थोड़ा सा गाइड करने के लिए मुझे मिला, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स मेरे यहीं पे स्टूडियो में रहने लगे, कुछ रोज़ मैं उनको ड्रॉप करता था मेट्रो स्टेशन में, फिर लेके आता था। ये मेरी एक तरह मतलब काफ़ी, और जो भी मैं अपनी खुद ही अपनी खाना प्रोवाइड करता था, अपने बना के यहीं पे सब कुछ, कुकिंग सब कुछ रख दिया था स्टूडियो में, खुद बनाओ खुद खाओ। वो एक 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 तरह अच्छा था, और एक्चुअली मेरा इंटेंशन कट सर के लिए था, तो उनके नाम के लिए मैं स्टार्ट किया था, जो कट सर ने सर से मुझे सीखा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मैं सर को सर का सीखा हुआ मैं किसी बच्चों को अगर दे पाया तो सर भी खुश रहेंगे, सर भी खुश होंगे मेरे पर, मैं इसीलिए मेरा इंटेंशन था। बट सेकंड नहीं हो पाया, सेकंड का ये पेंडेमिक आ गया, तो थर्ड आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज द थर्ड वन एक्चुअली इसी समर में फिर से करना है, अनलेस मैं कर बाहर नहीं जाता हूँ, ताकि मैं हर समर में बाहर चला जाता था, ऑलमोस्ट जून जुलाई में मैं फ्रांस में या किसी सिंपोजियम में चला जाता था। तो अभी उस ईयर में मैं कहीं गया नहीं था, इट वॉज 2019, मैं उस साल में नहीं गया था, 18 में गया हुआ था समर में, तो 9 में गया नहीं था, तो एटलीस्ट ये करने के लिए मुझे चांस मिला। 10 में तो पेंडेमिक हो गया, इस साल अभी तक तो आया ही नहीं मेरे पास ये, लेकिन अगर मैं प्रोबली एंड ऑफ द ईयर मुझे जाना है, अभी नहीं जाना है कहीं पे। तो एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्कल्प्चर, जब काम शुरू होता है तो मतलब काम में बहुत मग्न हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, दिन रात कुछ भी पता नहीं चलता, जब तक वो प्रोजेक्ट जो आपके सोच में है वो ख़त्म नहीं होता। तो इस टाइम में व्हाट व्हाट डू यू फील यू मिस इन लाइफ? आपने क्या मिस किया है लाइफ में? एक अच्छा फैमिली मैन और अच्छा एक आर्टिस्ट बनना बहुत डिफिकल्ट है दोनों। अगर इधर आपका अच्छा फैमिली मैन बनेंगे तो आर्टिस्ट नहीं बनना डिफिकल्ट हो जाएगा। दोनों को हैंडल करना, दोनों को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट लेकिन मेरे सपोर्टिंग मेरी वाइफ है, कि मैं एक बार घर से बाहर निकला तो मेरा कोई ये नहीं, मैं अपने स्टूडियो, स्टूडियो 15 किलोमीटर है, थोड़ा आउटस्कर्ट में, और मेरे लिए वो एक तरह जन्नत से कम नहीं है। तो मैं इसके अंदर रहता हूँ, उसमें जब काम में बिजी होता हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बिकॉज वाइफ खुद आर्टिस्ट है, तो वो समझ सकती है एटलीस्ट इसका क्या है। तो मेरी इनके उसकी सपोर्ट के चलते एटलीस्ट मैं फ्री रहता हूँ अपने काम में। और मैं जब नेचुरली, ये तो जब आप उसमें आप फोकस करते हो काम के साथ, तो आपके लिए तो एक तरह, जैसे आप बताए ना, हर काम मेरे लिए चैलेंज है, मैं जस्ट इजी में लेता नहीं, और इजी हो तो काम में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, ताकि मुझे लगेगा तो ऐसे ही हो रहा है, हो जाएगा। बट वो हर मोमेंट में, हर जब जब आप चीज़ को करते हो, हर ड्राइंग से लेके राइट फ्रॉम द ड्राइंग स्टेजेस जब आता है, क्या इसमें प्रॉब्लम भी आता है, वो प्रॉब्लम आना भी ज़रूरी है, उस प्रॉब्लम से मैं सीखूंगा। अगर प्रॉब्लम नहीं आए तो मैं वो क्लियरली हो जाएगा आराम से, फिर मैं सीख नहीं पाऊंगा कुछ। तो वो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है टिल द एंड, वही प्रोसेस है। और वो जो चैलेंज लेना होता है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुआ है हरियाणा, ये प्रोजेक्ट्स मेरे कमीशन प्रोजेक्ट्स भी हुआ है, मेरे अपनी जो स्टोन्स वगैरह मैं काटता हूँ वो तो खुद देख कितना कम्प्लीटली चैलेंज, कि मैं सिंगल हैंडेड करना होता है, जितने भी आप इंटरनेशनल स्कल्पचर्स वगैरह आप दिखाएं अभी, तो सारे सिंगल हैंडेड होता है, अकेला ही काटना है आपको, बाहर में आपको हेल्पर नहीं मिलते हैं, नहीं दिया जाता है। इंडिया में अगर कोई सिंपोजियम कैंप हो रहा है तो आपके 5 फीट के भी तो आपको दो आपको असिस्टेंट मिलेंगे, जब दो असिस्टेंट 5 फीट में काम करेंगे तो आप क्या करोगे, आप बैठ में चाय पियोगे साइड में बैठ के, बट हाउ कैन यू फील कि आपकी स्कल्पचर है, मेरा समझ में एक चीज़ नहीं आता है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूँ, एक मदर अपने बच्चे को जब ये देते हैं डिलीवरी देती है, उसके बाद वो सपोज वो जॉब में है या वो अपना अपनी काम में चली जाती है, तो वो बच्चा आया आया से वो बड़ा होता है, तो नेचुरली उसको जब बिगनिंग से लेके वो आया से बटअप होती है, होता है, जो बाद में वो खुद ही पहचान नहीं पाता है मेरी मदर ये आया है या मदर ये है। सिर्फ मदर बोलने, माँ बोलने से माँ नहीं होता ना, वो अटैचमेंट चाहिए। तो मेरा स्टोन मेरा बच्चा जैसा है,
मैं उसकी उसकी हर प्रॉब्लम मुझे समझना है, उसकी उसकी हर अच्छाई भी मुझे समझना है टिल फाइनल एग्जीक्यूशन तक। तो जब मैं फील नहीं करूंगा अपने स्कल्पचर को, स्कल्पचर मतलब वो नहीं कि मैं एक मैकेट बनाया दे दिया वो काट भी देता है, ऐसे भी होता है मैं देखा हूँ। पर लेकिन मैं कैसे बोलूँ जो ये मेरा स्कल्पचर है, मेरे हाथ का स्कल्पचर है या मेरी फीलिंग इसके अंदर अटैच्ड है, कैसे मैं समझ सकता हूँ? वो तो उसकी फीलिंग है, जो भी मेरे हेल्पर है उसकी फीलिंग है उसमें घुसा हुआ है, वो भले उसके लिए वो जॉब है, उसको आप बोलोगे इतना काटो तो काट देता है, लेकिन फिर भी मैं हर इसकी हर प्रॉब्लम कैसे समझूँ? इसमें प्रॉब्लम बहुत आता है, स्टोन की अपनी उसके बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, उसमें फेस करना पड़ता है, वो फेस जब करूँगा मैं खुद करूँगा अपने हाथ से, और फेस करना भी ज़रूरी है। तो मैं इसलिए मुझे फील होता है कि जब तक आप फील नहीं करोगे स्कल्पचर्स को तो आप कैसे उसको आप कम्युनिकेट कैसे करोगे जो उसको आप मतलब उस आपकी प्रॉब्लम वो कैसे समझे, उसकी प्रॉब्लम आप समझे? तो वो अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है और वो मैं फील करता हूँ, मेरे मतलब मेरी फीलिंग, मुझे मैं बता नहीं रहा हूँ कि बाकी स्कल्पचर्स क्या करते हैं, बट मेरी फीलिंग ये है कि मैं फील करूँ, एटलीस्ट मेरे स्कल्पचर एंजॉय करूँ। वेरी फ्रेंकली मैं कोई टारगेट नहीं रखता हूँ कि मैं मुझे उतने में, हाँ ठीक है कमीशन वर्क टारगेट होता है, स्टिल मैं आगे चला जाता हूँ। कमीशन जो मेरी जो सिंपोजियम्स होते हैं इंटरनेशनल, वो भी एक लिमिटेड टाइम में करना है, वो भी एक एक तरह चैलेंज होता है, बट मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, मेरे इसलिए नहीं होता, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे लिए सोचना है करना है अच्छी तरह तक कि मैं एंजॉय करूँ। सिर्फ मेरे एक स्कल्पचर करके मैं खड़ा कर देना मेरा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं है, बट उसके हर मोमेंट में एंजॉय करना मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों कर रहा हूँ स्कल्पचर, खाली स्कल्पचर बनाने के लिए स्कल्पचर तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं, कि मैं उसको मैं एंजॉय तो करूँ, एटलीस्ट मैं किस लिए हूँ भाई स्कल्पचर, स्कल्पचर क्यों बोलूँगा अपने लिए? तब तो मैं मैकेट दे दिया और कट के आ गया और एग्जीबिशन भी हो गया, बिक भी गया, जो भी हुआ वो तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो मैं फील करना चाहता हूँ, वो मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। वी हैव सम मोर कमेंट्स। देवीदास खत्री जी पूछ रहे हैं, दादा आप आज के युवा कलाकारों की प्रेरणा हो, जो ये हिंदी में थोड़ा टाइम लगता है मुझे पढ़ने के लिए, जो मृत्यु कला में अपना कार्य कर रहे हैं, तो आपका क्या देख कर जोश बढ़ जाता है, आपका कार्य देखकर जोश बढ़ जाता है? सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू फ्रॉम देवीदास। थैंक यू देवी, देवीदास जी, सो सॉरी मेरी हिंदी टूटी फूटी हिंदी है। नहीं, सो कॉल दैट आई नो हिम रियली वेल। तो रेमी कुमारी जी बोल रहे हैं, बहुत खूबसूरत आपकी सोच है सर, आर्ट को लेकर और स्टूडेंट्स के लिए जो करते हैं, तो या सो अपकमिंग आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज है, व्हाट इज दैट यू वांट टू? अपकमिंग आर्टिस्ट, आई मीन यू फील योरसेल्फ ऑलवेज एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स अपने को फील हमेशा करना, चाहे जितने भी आप बड़े हो जाओ, जिस दिन आप अपने को समझोगे जो मुझे तो आता है या मैं एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म में पहुंच गया, उस दिन आप एक तरह डेड हो गए कम्प्लीटली, तो आपकी वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तब उसके आप, तो ये चीज़ आपके अंदर वो पैशन वो भूख मैं बोलूँ या हंगर ख़त्म नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ सीख पाऊँ कुछ करूँ। तो आज के बच्चों के लिए हो या कुछ भी, वेरी ट्रूली मैं एक बात बोलूँ, जे आप काम करते क्यों हो, आप आर्टिस्ट बनना चाहते क्यों हो? आपके किसी भी पेरेंट्स आज तक आप उनको नहीं बोले होंगे नहीं तो इंजीनियरिंग छोड़ो या तुम मेडिकल छोड़ो तुम फाइन आर्ट बन ले लो, आज तक कोई भी आर्टिस्ट नहीं कोई भी पेरेंट्स नहीं बोले होंगे, तो नेचुरली वो चूज वो लाइन आप ही खुद अपने से चूज कियो कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे पता नहीं क्या होना है, ये भी नहीं पता आगे क्या बनना है कि आगे क्या मैं मतलब मेरी फ्यूचर क्या है, बट मुझे आर्टिस्ट बनना है, ये सिंपली एक ही ये होता है। तो जब आप अपने से अपनी लाइन चूज की हो तो यू हैव टू बी कम्प्लीटली डिवोटेड टू दिस लाइन एक्चुअली दिस प्रोफेशन। और सिंपली मैं अपने बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप जब काम कर रहे हो आप ट्रू रहो, सच्चाई के दिल से सच्चाई दिल से अपना काम करोगे आप अगर सच्चा दिल से करोगे तो भगवान आपको कभी ना कभी देंगे आपको,
एक बीइंग अ स्टूडेंट एक्चुअली आपके पास तो यही स्ट्रेंथ है ना, और क्या आपको थोड़ी पता है मुझे आगे जाके मुझे वो प्रोजेक्ट मिलेगा या इतने अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा या नहीं मिलेगा किसको क्या पता है, फ्यूचर को उस तरह तो आप सोच के आप इजीली कर सकते हो ना, तो आप डेफिनेटली आप सोचोगे तो आपके पास स्ट्रेंथ ओनली आपकी टाइम और आपकी काम अपनी आप कैसे आप अपने वर्क के साथ आप डिवोट करोगे, सो वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो आप अगर सच्चा ट्रूली प्योरली अगर प्योर हार्ट से अगर अपनी अपनी प्रोफेशन आप सिंसियरली आप अगर की हो तो भगवान भी आपको देंगे, और भगवान को मैं वो भी बोलता हूँ जो भगवान उनको नहीं दो जो नहीं किए, मैं भी नहीं किया हूँ तो मुझे मत दो, अगर मैं किया हूँ तो मुझे दो, वो एक आप डिजर्व तब करते हो जब आप आपके पास कमांड होता है कि आप की हो आपने अब ट्रू हार्टली ट्रू हार्ट में आप कुछ अपने को फील कर सकते हो, मैं अपने टाइम बर्बाद नहीं किया हूँ, मैं काम किया हूँ मैं अपने, तो वो अगर है तब तो भगवान हमेशा के लिए आपके पास खड़े होंगे, भले किसको पहले किसको बाद में इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जिसको जो टाइम आएगा वह मिल जाएगा अपने आप। तो वो मेरी स्ट्रेंथ है और मैं अपनी स्टूडेंट को भी स्ट्रेंथ देना कोशिश करता हूँ कि आप बी ट्रू टू योर योर सेल्फ एंड योर वर्क, कंप्लीटली आप फोकस रहो और बाकी लाइफ को सब कुछ सबको सब कुछ नहीं मिलता है, बट नहीं मिलता है उसमें एक पॉजिटिवनेस है कि आपके पास और वे है स्पेस है कि आपको उतना अचीव करने के लिए आप प्रैक्टिस करोगे, जिसको मिल गया तो वो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, मिल गया आप क्या करूँ, लेकिन नहीं मिला तो उसमें चांसेस है उसके पॉसिबिलिटी है कि आपको आगे जाना है और कुछ चैलेंज को स्वीकार करना है एक्सेप्ट करना है और करना है, वो आपके लिए पॉजिटिव एक वे दिखाता है कि आप नहीं हुआ फेलियर वो तो बेटर है एटलीस्ट सक्सेस के लिए, सक्सेस से मिलने से बेटर। आपके नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट तो व्हाट्स को अपकमिंग प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट वेरी रिसेंटली एक्चुअली आई हैव अ शो ऑफ कोर्स ग्रुप शो फ्रॉम बॉम्बे अभी 24th of February उसमें वर्क में कर रहा हूँ, दो देना है मुझे, दीज आर आई मीन इन इंडिया एंड अब्रॉड एक्चुअली फ्रांस में एक प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये है सितंबर एंड में है मेरा, ये एक्चुअली वो होना था लास्ट ईयर की मेरा था ऑलरेडी, वो फिर पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू दिस पेंडेमिक, सो सितंबर में डेट फिक्स नहीं हुआ, देन वो एक है मेरे पास एंड ऑफ द ईयर मेरे ख्याल से, और भी एक है अभी प्रोसेस ताकि मैं अपने टाइम को देख के बताना पड़ेगा मुझे, सो टू बिगिनिंग तो नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ इन द सेंस अभी भी पेंडेमिक फॉरेन में तो एक्चुअली अभी भी नहीं हुआ है, अभी मतलब ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो बाहर तो अभी भी उसके ऊपर इम्पैक्ट है, तो थोड़ा एंड ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ना एक्चुअली वो सारे होने का चांसेस है। Thank you, sir. Thanks a lot for joining in, and all the best for your dream projects. Let them all come true. And I really like the way you are teaching students, and you know, making sure that they can come and do really do the stuff. We can still hear the background where students are doing something in your studio. Yeah, and थोड़ा हट के जो आपने आपके स्टूडियो में ये शो आउटडोर में दिया हुआ है, typical. You know, sculpture ke tarah, you know, you decided to do it outside in your studio, then inside. Yeah. So thanks a lot for that. So, and thanks a lot for sharing all your insights and your journey for all the upcoming artists. So from Sneha Arts, I would like to thank, you know, to connect you with me because, you know, I get a chance to, you know, speak all the eminent artists and, you know, do this particular show. So thank you, lovely audience, thank for you. All those questions. Thank you, Ravi. Thank you, Ravi. Actually, for sharing your view. Actually, you can say I can say just it's an interaction. Actually, and very much thankful for the for Sneha. Actually, so she's my younger sister. It's like actually I really मैं बहुत close नहीं हो पाया उससे ताकि मैं very recently I got attached with her. And really, you people are doing such a wonderful job actually for the betterment of the students. Thank you. And वो मेरे लिए अच्छा था कि through yourself only आपके माध्यम से मैं बच्चों के तक जो भी मेरी experience share करने का chance दिया. So I'm quite thankful and thank you once again. Thank you.
Thank you, sir. Thank you. And thank you for setting Indians' flag high everywhere you go internationally. Thank you. Have a great day. Yeah, I try to do this. Thank you. Thank you. Nice talking to you. Thank you.